नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है, जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले 67 नाम के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। खबर को लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रचार प्रसार के साथ साथ नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से नामांकन भरा है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नामांकन में अपने बेटे भाई को इतनी भारी संख्या में लाडवा की सरदारी आज आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, ये लाडवा की सरदारी ने आज मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, जो ये सम्मान किया है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान ये लाडवा के एक एक जन का है, आप सबका ये सम्मान है। और मैं आज आप लोगों को ये विश्वास इस लाडवा की ऐतिहासिक भूमि से आप लोगों को देना चाहता हूं कि जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखी है, इस सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, हम सब की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये लाडवा के आज सरदारी के बीच में मैंने सुबह कार्यालय का उद्घाटन करके अभी आपके बीच में लाडवा की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लाडवा की सरदारी का ये आशीर्वाद 2014-2019 के बीच में भी भरपूर आप लोगों ने दिया था, 2024 के अंदर भी आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया, और अब विधानसभा के अंदर भी अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। भाइयों, हम सब यहां से नामांकन के लिए एस्टीम कोर्ट में निकलेंगे। अभी हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी वो आने वाले हैं, परंतु मौसम की खराबी के कारण बीच में हेलीकॉप्टर उतरा है, बाई रोड आ रहे हैं, परंतु जब हम नॉमिनेशन देने के लिए जाएंगे तो वो भी हमें आशीर्वाद देने के लिए आज इस पवित्र भूमि के ऊपर यहां पर आएंगे। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि ये लाडवा की सरदारी की ये बड़ी जिम्मेवारी है, और मुझे
एक विधानसभा नहीं, नब्बा के नब्बा विधानसभा में कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने का काम ये हम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूं, जितना समय इस चुनाव के दौरान मुझे मिलेगा उस समय के ऊपर लाडवा का नाम लिखा होगा आप लोगों के बीच में, तत्परता से आने का काम करूंगा। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी नायब सिंह सैनी बन करके एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है और लाडवा का कमल का फूल जब 8 तारीख को रिजल्ट आए हरियाणा प्रदेश में एक एक व्यक्ति को मिलना है और लाडवा का कमल का फूल जब 8 तारीख को रिजल्ट आए हरियाणा प्रदेश में नंबर एक के ऊपर आपने खिलाना है। ये आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। भाइयों, मुझे ये खुशी है, यह वह धरती है ये जहां पर भाइयों अन्याय न्याय का युद्ध भाइयों इस भूमि के ऊपर हुआ है। यह वही धरती है जिस धरती के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश भाइयों ज्ञान का संदेश दिया है। आज मुझे खुशी है जब मैं 2019 में भाइयों आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा का नॉमिनेशन मैंने यहां से कुरुक्षेत्र से भरा था, आज मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आप सबके आशीर्वाद से आज मैं लाडवा से विधायक के नाते नामांकन करने के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया। बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून को समर्थन देने वालों का तांता लगा हुआ है। सरपंच पार्षदों के साथ कई समाजसेवी संगठनों ने भी राजेश जून को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि राजेश की नुक्कड़ सभाओं में जनसभा से भी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। राजेश ने बहादुरगढ़ के विकास पर बात करते हुए कहा कि बहादुरगढ़ में सरकारी स्कूल का अभाव है और स्कूलों में बेहतर सुविधाएं नहीं है, सरकारी स्कूल रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक बनकर वो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर और गांवों की सड़कों और गलियों को नया बनवाया जाएगा। बहादुरगढ़ के विकास का आप कह सकते हो कि पिछले 10 साल से तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। एक जो नॉर्मल चीजें हैं आज सड़क की है, आप सड़क को ले लीजिए, पहले तो मेन सड़क भी सब सड़क भी सारी छोटी सड़कें बड़ी सड़कें सारी टूटी पड़ी है। बिजली की तारें आप देखो जहां सारी लटक रही है, और आप जहां आप इस शहर में मैं मानता हूं कि 50% ऐसा आदमी रहता है जिसकी महीने की इनकम 15,000 से ऊपर नहीं है, उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिलने की जगह नहीं है। सरकारी स्कूलों में 11वीं 12वीं के सिर्फ पूरे बहादुरगढ़ शहर में पूरे 7 सेक्शन है जी, सिर्फ 7 सेक्शन। उन बच्चों को वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को जगह नहीं मिल रही है, प्राइवेट में पढ़ाने की उनकी पोजीशन नहीं है। बच्चों को मतलब अच्छे अच्छे स्कूल यहाँ पे मेरी करवाने की इच्छा है, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, प्राइवेट स्कूलों जैसी सरकारी स्कूलों में सुविधा दी जाए। साथ में मेडिकल या कहने के लिए तो 200 बेड का हॉस्पिटल है बहादुरगढ़ में, लेकिन साहब आप यकीन करो कोई भी नॉर्मल भी अगर चोट लग जाए बीमारी हो कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ बहादुरगढ़ के हॉस्पिटल में नहीं होता है। सीधा एक ही शब्द उन्होंने शिकार कर रहे पर टूटी जाई, जबकि यहाँ पे 100 के आसपास डॉक्टर हैं, मशीनें हैं, लेकिन सारे मशीनें नहीं है। मशीनें भी जिसकी एएमसी सीएमसी करवा रखी है, गवर्नमेंट का इतना पैसा जाता है लेकिन वर्किंग। इंद्री विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामकुमार कश्यप ने नामांकन भर दिया है। वह इस दौरान करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नामांकन के समय उनके साथ मौजूद रहे। रामकुमार कश्यप ने नामांकन भर दिया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे।
विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ प्रचार प्रसार का जोर जारी है, वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। इंद्री से प्रत्याशी रामकुमार कश्यप भी नामांकन दाखिल करने कार्यालय पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उनके साथ मौजूद रहे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेड़ी से मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी डॉ रघुवीर सिंह कादियान, झज्जर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल का नामांकन दाखिल कराया। नामांकन दाखिल कराने के बाद आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जंग का ऐलान हो गया है। जनता जिस दिन का 10 साल से इंतजार कर रही थी, वो दिन आ गया है। अब 36 बिरादरी एकजुट होकर बीजेपी को हराए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौके को चूकना नहीं है, याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के को भारी मतों के अंतर से विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि 10 साल बाद ये मौका आया है। क्षेत्र से हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने नामांकन भरा, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो झज्जर में जिस तरह का लोगों में, कार्यकर्ताओं में और झज्जर बिरादरी, झज्जर में 36 बिरादरी में जो सभी में जो भावना उमड़ के आ रही है, स्पष्ट रूप से हमारी बहन गीता भुक्कल जी यहां से जीतने जा रही है बड़े बहुमत के साथ। झज्जर विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी ने ठाना है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है और विधानसभा क्षेत्र झज्जर से। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भूप सिंह यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने शहर के बाजारों में एक रोड शो भी निकाला। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनके जिंदाबाद के नारे भी लगाए। निर्दलीय प्रत्याशी डॉ भूप सिंह ने बताया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा के लोग अपने पक्ष में जबरदस्त रुझान है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय के रूप में नामांकन किया। लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, लोगों के दिमाग में अब की बार मजबूती से बैठा हुआ है कि बदलाव करना है और बदलाव इसलिए जरूरी है कि महेंद्रगढ़ का विकास रुक चुका है और पीछे जा चुका है, इसलिए विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मुद्दा तो ये है कि भाई हरियाणा के अंदर विकास होना चाहिए, विशेष रूप से महेंद्रगढ़ के लोगों का विकास होना चाहिए जो नहीं हुआ है बहुत लंबे समय से। महेंद्रगढ़ में एक साथ दो त्याग पत्र। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान शिव कुमार मेहता ने पार्टी से अलविदा कह दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से पूर्व विधायक संतोष यादव ने भी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। संतोष यादव अटेली से विधायक रही हैं। महेंद्रगढ़ से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने अभी महेंद्रगढ़ और एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा की सीट होल्ड कर रखी है। सूची का इंतजार किए बिना ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले महेंद्रगढ़ आवास रामदास सदन पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। रामविलास शर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम नहीं आने से कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं की उनके आवास पर मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव लड़ने को कहा है। प्रतला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार नयनपाल रावत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर नयनपाल रावत ने कहा कि आने वाली 5 तारीख को प्रतला विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर निर्दलीय विधायक बनाने के लिए आशीर्वाद और समर्थन दे चुकी है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को लेकर निर्दलीय नयनपाल रावत ने तंज कसते हुए कहा कि प्रतला विधानसभा में पहले भी बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो चुकी है।
देखिए हर व्यक्ति अपने प्रति जीत के प्रति आश्वस्त होता है, लेकिन मैंने 2019 का चुनाव भी आप सबने देखा होगा, जनता जनार्दन के सहयोग से 36 बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। और क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देना, टिकट काटने के बावजूद इनके साथ खड़ा रहना और उसके बाद दूसरी बार ये मेरे साथ काम करना, और ना केवल ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मेरे पृथ्वी परिवार के 36 बिरादरी को धोखा दिया। कालावली विधानसभा से इनेलो और बसपा प्रत्याशी मास्टर गुरतेज सिंह सुखचैन ने नामांकन भरा है। इस मौके पर चौधरी अभय सिंह चौटाला की पत्नी कांता चौटाला और बसपा नेता लीलू राम आशा खेड़ा और इनेलो के हलका अध्यक्ष जसविंदर सिंह बिंदु विशेष तौर पर मौजूद रहे। और लोगों ने हो सकता है इनको सहारे सबके उम्मीदवार हैं, बहुत ही शरीफ और मेहनती इंसान है और कलावली की जनता का उन पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि इस बार जो है हम यहाँ से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद का नामांकन करने के लिए पहुंचे। आफताब अहमद के नामांकन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह अनाज मंडी नूह में नामांकन सभा को संबोधित किया। उसके बाद लघु सचिवालय नूह में रिटर्निंग अधिकारी नूह के कार्यालय में पहुंचकर नामांकन दाखिल कराया। जो है आती जाती रहेंगी राजनीति में, कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आज आप देख सकते हो कि सरकार ने तो आपके साथ एक ऐसा व्यवहार किया है कि जो परियोजनाएं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू कर रखी थी उन परियोजनाओं को भी रोकने का काम किया। आपके सामने उम्मीदवार हमारे साथ डिप्टी लीडर पीएलपी काबिल हमारे दोस्त भाई आफताब अहमद साहब और हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे लोगों के बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों मातृशक्ति, देखिए आप सबको मालूम है 5 तारीख को चुनाव होगा। जजपा के दिग्विजय सिंह चौटाला ने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। मौके पर सूर्य प्रकाश सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि रंजीत सिंह चौटाला जजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार रामकुमार कश्यप ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले एक रोड शो निकाल के रामकुमार कश्यप ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। विनेश फोगाट का महावीर फोगाट को लेकर बयान सामने आया है। विनेश फोगाट ने कहा कि जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, राजनीति में आना मेरी मजबूरी है और मेरे अपने लोग मुझे समझते हैं। इसके साथ ही विनेश फोगाट ने कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो अपने बड़ों से पूछकर ही लिया है। ये आशीर्वाद देंगे और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि सही का साथ देंगे और सच्चाई के साथ में खड़े रहेंगे जैसे ये पहले खड़े रहे हैं। देखो रणनीति तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्गार हैं वही बनाएंगे, उन्हीं का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आज तक इनके आशीर्वाद के बिना ना तो हम कभी चले थे, अब भी नहीं चलेंगे। और इतने सब लोग प्यार और आशीर्वाद देने आए हैं, इससे बड़ी ताकत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। यही लोग जिताएंगे, यही लोग जिताते आए हैं। कुछ दिन में परमात्मा के बिना बड़ों के बिना हम ना कभी कुछ कर पाए थे और आज भी इनके बिना कुछ नहीं है, इनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो सर ये
कांग्रेस ने आखिरकार तीसरी सूची जारी कर दी है। ये सूची भी देर रात को जारी की। कुरुक्षेत्र कांग्रेस के थानेसर से प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उमड़ रही है। हरियाणा में रतिया से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए रतिया विधायक लक्ष्मण नापा पर तीखी टिप्पणी की है। सुनीता दुग्गल के बयान के बाद विधायक लक्ष्मण नापा ने कंबोज धर्मशाला में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। सुनीता दुग्गल जी इस समय 5 साल तक सिरसा लोकसभा से एमपी रही है, सांसद रही है, उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए, अपने कार्यों की पारदर्शिता दिखाई कि मैंने ये काम किया है, इस वजह से मुझे वोट दो। नेगेटिव आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा एक ही है कि आज जो हमारी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने नॉमिनेशन का आज भरा है और उन्होंने आज वहां जो हमारे माननीय पिथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने अपने दलबल के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा मौजूद रहे। नामांकन किया भैया, अगली योजना तो पहले इलेक्शन लड़ना है। प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी है, भाईचारे को साथ लेते हुए विकास की तरफ अग्रणी होकर के हम चले, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जनता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग